डॉक्टर अनीता, वो मुझे काफी फ्रेंडली लगती है और उनकी एज मुझे 40 साल से ऊपर की लगती है। छोटे से बाल होंगे उनके, पतली दुबली से होंगी, हाइट में मेरे जैसे होंगी। मुझे तो मोटी लगती है। वो तो हमारी भाषा बोलती है, हमारी इधर की होंगी। डॉक्टर अनीता, स्वीट सी लगती है। 25 साल की होंगी। बड़ी होगी, सीनियर डॉक्टर। अबर जानते है, इतनी तो पढ़ी लिखी है, चश्मा तो पहनती होगी। मोर संगवारी है रे। कभी हम घर पे नहीं होते हैं, कभी आशा दीदी नहीं मिल पाती है। बच्चे को स्कूल से लेने जाना, बाजार से सब्जी लेने जाना, कोई ना कोई काम बीच में आ ही जाता है, तो उस बीच में हम आशा दीदी से नहीं मिल पाते। पर मैं कहीं भी रहूं, डॉक्टर अनीता मुझे ढूंढ ही लेती है। हमारा काम है माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी देना, इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। जब हम जानकारी ले पाएंगे तभी महिलाओं को समझा पाएंगे। पर सीखते समय सारी बातें तो नहीं हो पाती, शर्मा शर्मी में कुछ बातें रह जाती है और जानकारी अधूरी रह जाती है। अब मोबाइल एकेडमी से डॉक्टर अनीता ही पढ़ा देती है। जब डॉक्टर अनीता फोन करती है, बिना शर्मा शर्मी के सारी बात बता देती है। समझ भी आ जाता है और कोई शर्म भी नहीं आती है। राम राम। आइए। आशा दीदी सब जानती भी है और सब समझती भी है। आशा दीदी मेरे घर में आते हो, बड़ों के साथ उठते बैठते हो, और मारे बच्चे रे अंतर रखना रे बातें मैं उनके साथ नहीं कर सकती। डॉक्टर अनीता में उनका फोन आता है, वो सब बातें कहती है, तो कुछ बात छूटती भी नहीं और सब बात समझ में आ जाती है। उन्हीं की सलाह से हमने ऑपरेशन का मन बनाया है। मैं खदान में सुपरवाइजर का काम करता हूँ। पास में यहाँ कोई परिवार भी नहीं है और ना कोई अस्पताल है, ना कोई आंगन आंगनबाड़ी, कुछ नहीं। ये शहर से इतने दूर खदान है, यहाँ पे सिर्फ खदान का ही काम चलता है और कोई दूसरा काम नहीं चलता। अकेलेपन तो लगता ही है, ऐसे समय पे बड़ों का तो साथ चाहिए ही। यहाँ इतना दूर तो आशा दीदी भी नहीं आती है। चाहे जितना भी काम हो, किरकारी से डॉक्टर अनीता का फोन आता है तो मैं जरूर सुनता हूँ। डॉक्टर अनीता जो भी बताती है मैं सुनता हूँ और फोन में रिकॉर्ड भी करता हूँ। मुझे इनका भी इंतजार रहता है और डॉक्टर अनीता का भी। लगता है वो घर की बड़ी है। लेकिन मुझे उनसे एक ही शिकायत है कि मेरे मन में जो भी परेशानी या सवाल है मैं उनसे पूछ ही नहीं पाती। कितना अच्छा होता अगर वो अपनी भी कहती और हमारी भी सुन पाती। यहाँ की आशा हूँ। यहाँ के लोग बड़े बूढ़े सब मेरे को पूछते हैं और विश्वास भी करते हैं। गर्भवती के बारे में, बच्चे के सेहत के बारे में और डिलीवरी के बारे में बताते हैं। कब कौन क्या पूछ देंगे कुछ पता नहीं। अरे वो तो डॉक्टरी नानीता ने ना पूरा मोबाइल अकादमी में पढ़ा लिखा दिए। जैसे डॉक्टरी नानीता मोबाइल से बात करते हैं तो मैं भूल जाती हूँ, नहीं समझ पाती हूँ, तो उससे बार बार बटन दबाकर और पूछती हूँ। जब कभी भी डॉक्टरी नानीता मोर से मिली ना तो उनको बोलूँगी कि हमें टीबी जैसे बीमारियों के बारे में बताएं
और थोड़ा से बड़े बच्चे के बारे में भी बता। अरे इनको भी तो स्वास्थ्य और सेहत की जरूरत है।